देखिए, अगर आप लाइट को बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी, इसे बोलते हैं फोटोन। अब ये फोटोन है, जब किसी चीज़ से टकराता है ना, तो ये उसी एंगल पर ऑपोजिट साइड पे, उसी एंगल पर, ऐसे डी होती है ना, एक जगह पर 30 डिग्री होता है लेकिन दूसरी जगह पर भी 30 डिग्री होता है, वैसे ये उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। और इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब ये वापस आता है ना, तब ये हमारी आँखों में आ जाता है, आँखों के अंदर, आँखों से रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, तो हमारा ब्रेन सेंस कर लेता है कि फोटोन के पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, अब हमें एक इमेज दिखती है क्लियर। अब आप इस बात को समझिए कि जो स्टार से लाइट आ रही है, जो स्टार से फोटोन्स आ रहे हैं, वो बहुत दूर हैं, वो उनको हज़ारों लाइट ईयर्स लग जाते हैं, मतलब उनको 1 से 2 हज़ार साल लग जाएंगे हमारे तक पहुंचने में। जो दूर के तारे हैं उनको 1000 2000 साल भी लगते हैं, जो पास के तारे हैं उनको 3 4 साल भी लगते हैं, 3 तो किसी को भी नहीं लगते, 4 एटलीस्ट 4 लगेंगे। अब देखिए, जब ये हज़ारों सालों का डिस्टेंस तय करके जब हमारे पास आएगा, तो हमारी आँखों में जाएगा, तो फिर हमें ये चीज़ दिखेगी। इसका मतलब फिर जब हम तारों में देख रहे होते हैं, हम अपने पास तारों के पास्ट में देख रहे होते हैं, हो सकता है कि अब तक वो तारा ख़त्म भी हो गया हो, लेकिन हमको कभी नहीं पता चलेगा। हमको तभी पता चलेगा जब 1000 साल बीत जाएगा उसके ख़त्म होने के बाद, या जितना वो दूर है उतने साल बीत जाएंगे, फिर हमको पता चलेगा कि वो तारा असल में डिस्ट्रॉय हो चुका है। देखिए, अगर आपने देखा होगा, अगर आप अपनी छत पर सोते हैं या फिर आप तो कभी छत पर सैर कर रहे होंगे, तो आपने कभी देखा होगा कि जो तारे हैं वो आपको लगेगा कि 1 2 घंटे पहले तो यहाँ पर था, लेकिन 2 घंटे बाद ये तारा दूसरी साइड पर कैसे पहुँच गया। आप सोच रहे होंगे कि तारे मूव करते हैं, ऐसा नहीं है, असल में धरती मूव कर रही होती। अब इसको आप इस एग्ज़ाम्पल से देखिए कि अगर आप कभी ब्रेक डांस होता है ना, जो ब्रेक डांस वाली होती हैं अम्यूज़मेंट पार्क्स में राइड होती हैं, या फिर कहीं किसी फेयर में या मेले में राइड होती है ऐसी, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जब आप वहाँ पर बैठते हो, आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, घूम रही है। यही बात है, हम धरती में हम एक बहुत बड़ी ब्रेक डांस वाली मशीन पर बैठे हुए हैं जो घूम रही है, वो इतनी स्पीड से घूम रही है कि हमको लगता है कि तारे जा रहे हैं। वे वही कंसेप्ट है कि आप अगर आप ब्रेक डांस में बैठे हो, बाइक डांस वाली मशीन में बैठे हो, तो आपको लगेगा कि सारे घूम रहे हैं, लेकिन असल में आप ही घूम रहे होते हैं। ये वही कंसेप्ट है कि ये धरती बहुत बड़ी ब्रेक डांस वाली मशीन है, जिस पर आप खड़े हो और आप दूर से आप देखते हो, जब आपको लगता है तारे घूम रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये मशीन, मतलब ये अर्थ ही घूम रही होती है, और अर्थ जब घूमती है तो हमको लगता है कि तारे घूम रहे हैं, लेकिन असल में सिर्फ अर्थ घूमती है। तारे जो हैं स्टैटिक रहते हैं, स्टैटिक का मतलब होता है कि वो स्थिर ही रहते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते, जाते हैं लेकिन बहुत टाइम, 3000 4000 5000 साल लग जाते हैं उनको इधर से उधर जाने में। आगे देखेंगे, अब एक ना ऐसा तारा होता है जो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर धरती के एक्सिस होता है, कि जैसे बॉल होती है, बॉल की ना ऊपर से आप एक ना बहुत बड़ी ना सुई लेकर बीच में से निकाल दोगे ना, बिल्कुल नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट निकाल दोगे, तो वो जो सुई है वो बॉल का एक्सिस बन जाएगा। ऐसे धरती का भी एक इमेजिनरी एक्सिस है, असल में नहीं होता, लेकिन हमने सोचा होता है। एक ऐसा तारा है जो आप देखेंगे कि अगर आप उस सुई के ऊपर कोई चीज़ रख देंगे और उस बॉल को, उस चीज़ को, यानी उस दूसरी बॉल को आप सेम स्पीड से घुमाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप जो, अगर आप छोटा सा कैमरा भी लगा देंगे बॉल के ऊपर, आप फ़ोन लगा देंगे, तो आपके पता चलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ ही आ रहा है, जो आपने छोटी बॉल लगाई है वो आपके साथ ही आ रही है, आपको ऐसा लगेगा। ये वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे धरती है, धरती का ये एक्सिस है, एक्सिस मतलब वो सुई वाला कॉन्सेप्ट, और इसके ऊपर एक तारा है जो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है, इसमें बहुत दूर है, पास में नहीं अपनी कितने दिखा रहे, बहुत दूर है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये हमारे साथ ही रहता है। पुराने ज़मानों में जब
कोई रेगिस्तान में कहीं पर जाना होता था तो इसकी सहायता लेते थे, क्योंकि ये फिक्स्ड डायरेक्शन में ही रहता है। या फिर आप अगर आपने कहीं पर जाना है इसी डायरेक्शन पर, अगर ऐसे आपने साउथ जाना है और ये तारा जैसे कि किसी और डायरेक्शन के पास है, तो आप देख आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर होगा, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ पर होगी। इसे पुराने समय बहुत यूज़ करते थे, इसे इंडिया में ध्रुव तारा कहते हैं, पोल स्टार को इंडिया में ध्रुव तारा कहते हैं। अब कॉन्स्टलेशंस, अब ये क्या होते हैं, अब आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो तारे हैं ना, इन्हें जोड़ा गया लाइन से कोई, अभी असल में जुड़े नहीं होते ये, वैसे एक कोइंसिडेंस या कह सकते हैं, या फिर एक कोइंसिडेंस है ग्रेविटेशनल बेंडिंग के कारण ये एक शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक लाइन स्ट्रेट एक लाइन में है, ये क्रॉस में हो चुका है, ये ट्राइंगल इन्होंने बना लिया है, ये जस्ट एक टाइप ऑफ आर्ट है, इसका कोई इतना वैसे महत्व नहीं है, लेकिन पेपर में दो तीन नंबर का आएगा, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने ऐसा बनाया हुआ था, इसको इन्होंने कह दिया ये एक बियर की शेप देती है, एक एरीज कहते हैं इसको, ये और आयन है, ये ग्रेट बियर है, कैसोपिया है, ये लियो मेजर है। देख इन्होंने बस एक तारों की शेप को जोड़ा और इसे शेर जैसी दे दी है इन्होंने। ये सब में कॉन्स्टेलेशन इसलिए बनती थी कि जब पुराना ज़माना था, जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब लोग समझते थे कि ये देवी देवते और ये हमको देख रहे हैं, लेकिन असल में नहीं होता ऐसा। जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उन्होंने ये बनाया, जो इंडियन नहीं ग्रीक है उन्होंने बनाया, जैसे कि ओरायन उनका ही है, ग्रेट बियर ये सब उनके ही है, एक इमेजिनेशन है, ये असलियत में नहीं होता। ये असली में ऐसा कोई लेडी नहीं बैठी होगी वहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ कोई शेर नहीं बैठा होगा ना, यहाँ कोई भालू बैठा होगा। एक पोल स्टार के पास में एक ऊर्सा मेजर नाम का एक होता है कॉन्स्टेलेशन, इसे सप्तऋषि कहते हैं इंडिया में, इसकी कुछ ऐसी ही होती है, इसकी कुछ ऐसी शेप होती है। बस यहाँ पर कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताया गया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ऐसा सोलर सिस्टम की डायग्राम है, यहाँ पर लिखा गया नॉट टू स्केल। नॉट टू स्केल का मतलब होता है जैसे धरती और सन, आप देख सकते हैं कि आपको लगेगा कि बस चार धरतियाँ मिला देंगे तो आपका सन बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़े हैं। आपका एक न्यूमेरिकल भी है बैक में, कि बैक में आपका न्यूमेरिकल है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि 1100 धरतियाँ अकेले जुपिटर में आ सकती हैं और कितने लाखों जुपिटर सन में जा सकते हैं, तो सन कितना बड़ा है। नॉट टू स्केल का मतलब ये है कि मैंने बस आपको दिखाने के लिए बता दिया, असल में ऐसा नहीं है, असल में ऐसा इनका साइज़ नहीं है। ऐसे यहाँ पर यूरेनस तक नेपच्यून तक आ रहे हैं ना प्लैनेट्स हैं, ऐसे एक और भी होगा था प्लूटो, लेकिन उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने एक ना प्लैनेट की डेफिनेशन होती है ना उसको अपडेट कर दिया था, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ फिक्स्ड मास होता है और कुछ और चीज और इनके मापदंड होते हैं, उसमें जो प्लूटो था वो खरा नहीं उतर रहा था, इसलिए उन्होंने इन्हें इसे इस प्लैनेट को निकाल दिया सोलर सिस्टम से। ये अभी भी वहाँ पर है, ऐसा मतलब भी इन्होंने कुछ निकाल दिया, लेकिन इन्होंने उसका प्लैनेट का दर्जा खो लिया उससे। बस ये कुछ आगे इतना है नहीं, बस प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाया गया, ये हम कल करेंगे, यहाँ से हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।